नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर 2018 और आज के इस एडिटोरियल में बात करेंगे क्वार्ट्स एजेंडा के बारे में। ये क्वार्ट्स एजेंडा क्या है? देखिए, क्वार्ट्स एजेंडा एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग है, चार देशों का एक ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। ये चार देश जो है सिंगापुर में मिलने वाले हैं बुधवार को। और ये चार देश जब मिलेंगे तो इनके सामने एक चुनौती होगी कि इनके जो कॉमन एजेंडा है उसको डिफाइन करने की चुनौती होगी। इस मीटिंग के साथ साथ में वहां पे आसियान इंडिया इनफॉर्मल समिट भी हो रही है और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट भी हो रही है और ईस्ट एशिया समिट भी है। तो इसके अलावा जो ये चार देश बात करेंगे उसके एक्सपेक्टेड टू टॉक क्या है, रीजनल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसमें इंक्लूडेड है मालदीव्स में जो इलेक्शन हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो स्थितियां बन रही है उसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे, एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में लेटेस्ट जो अभी डेवलपमेंट्स है इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन दोनों जो इंडिया एंड जापान है वो ये जो समिट है, इसके जो क्वाड है, क्वाड जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग का बनाने का आइडिया जो था वो था बेटर कोऑर्डिनेट मैरिटाइम कैपेबिलिटीज फॉर डिजास्टर सिचुएशन। यानी जो सुनामी 2004 में आई थी, इस सुनामी के बाद में ये चार देशों का एक ग्रुप बना था जिसका मेन लक्ष्य ये था कि बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को, समुद्री जो क्षमताओं हैं जिससे कि जितने भी डिजास्टर वगैरह आते हैं, डिजास्टर सिचुएशंस बनते हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना और उसको मुसीबतों से बचाना, ये एक्चुअली मेन लक्ष्य था। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि अब ये सेंट्रिक होने लगा, चाइना सेंट्रिक, चाइना के जो बढ़ता प्रभाव है वो इसका एजेंडा में शामिल हो गया। हालांकि जो ऑफिशियली इसको डिनाइल हमेशा आता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चाइना का प्रभाव, बढ़ता प्रभाव इसके एजेंडा में होता है। इसके अलावा जो इंडिया एंटायर फोकस होगा इंडो पैसिफिक क्वाड मैरीटाइम रादर देन लैंड बेस्ड ग्रुपिंग के बारे में होगी, यानी जो मैरीटाइम है समुद्री चीजों के बारे में, और जो अफ्रीका तक इसको फैलाने की बात है इंडो पैसिफिक, इंडिया जापान का, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल लाइन बाय लाइन। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके, जहां पे आपको पुराने सारे एडिटोरियल के वीडियोस एंड पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल 14 नवंबर 2018। फोर कॉर्नर्स ऑन द क्वाड्स एजेंडा। ये जैसा मैं बता चुका हूँ, फोर कॉर्नर्स यानी चार देश जो है अलग अलग सिचुएशन है, सिचुएटेड है अलग अलग जगह पे, फोर कॉर्नर्स इसलिए बोला गया। क्वाड्स मतलब चार होता है और ये चारों देशों के एजेंडा के बारे में। क्वाड मेंबर्स स्टिल फेस द चैलेंज ऑफ डिफाइनिंग इट्स कॉमन एजेंडा। यानी ये जो चार देश है वो अभी भी सामना कर रहे हैं कौन सी चुनौतियों का, चुनौती जिसमें डिफाइन किया जा सके इनके कॉमन एजेंडा के बारे में। इनका क्या एजेंडा है इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, ये अभी उनके लिए एक चुनौती है, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये चारों देश। एज ऑफिशियल्स फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस मीट इन सिंगापुर ऑन वेडनेसडे, देयर चैलेंज विल बी टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब देयर कॉमन एजेंडा। अब ये जो ऑफिशियली ये चार देश जो मिल रहे हैं सिंगापुर में बुधवार को, तो उनके पास एक चुनौती होगी कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें उनके जो कॉमन एजेंडा है। द क्वाड इज बिल्ड एज फोर डेमोक्रेसीज विथ अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। अब क्या ये जो क्वाड है, इस क्वाड को डिस्क्राइब किया गया है जैसे चार डेमोक्रेसीज के तौर पे, चार जो लोकतंत्र है जिनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, साझा ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य जो साझा है वो क्या है कि टू इंश्योर एंड सपोर्ट, आश्वस्त करना, सपोर्ट करना फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक जो है रीजन है, क्षेत्र है,
इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री ओपन और समृद्ध रूप से इसको इंश्योर करना, आश्वस्त करना और इसको सपोर्ट करना, इनका साझा उद्देश्य ये चारों डेमोक्रेसीज का। ड्यूरिंग दिस राउंड, इस राउंड का मतलब इस राउंड, इस बार जो मीटिंग हो रही है इनके बीच में, तो इस राउंड की ऑफ मीटिंग में क्या होगी, द फोर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन। ये चार देश जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड बिल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो होते हैं, मानवता को जो डिजास्टर रूप से डिजास्टर आने के बाद जो उसको रिस्पॉन्स देना होता है, इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाने की जो बातें हैं ये चारों देश बात करेंगे आपस में। Over the past few months, पिछले कुछ महीनों में India and Japan have announced, India और Japan ने announce किया है, they will combine efforts on a member of projects in South Asia, including bridges and roads in Bangladesh and LNG facility in Sri Lanka and रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार रखाइन प्रोविंस। देखिए क्या है, ये पिछले कुछ महीनों में इंडिया और जापान ने अनाउंस किया कि दे विल कॉम्बाइन एफर्ट्स, यानी अपने दोनों इंडिया और जापान अपने एफर्ट्स को कॉम्बाइन करेंगे कहाँ कहाँ पे, एक साउथ एशिया में प्रोजेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है, ब्रिजेस है, रोड्स है, बांग्लादेश में रोड्स है, एलएनजी फैसिलिटी एक श्रीलंका में होगी और एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में। तो इन सभी चीजों पे इंडिया और जापान इन्होंने अनाउंस किया। ऑस्ट्रेलिया हैज अनवेल्ड एन एम्बिशियस $2 billion प्रोजेक्ट्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड मैरीटाइम एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पैसिफिक रीजन। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अनावरण किया, अनवेल किया, यानी उसको बताया कि $2 billion का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को फंड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगा, जिससे कि मैरीटाइम यानी समुद्री एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके पैसिफिक रीजन में, ऑन विच इट इज विलिंग टू कोऑपरेट विथ अदर क्वाड्स मेंबर, और जिसमें ये इच्छुक है कि जो दूसरे क्वाड मेंबर्स के साथ में ये काम करेंगे, इच्छुक है सहयोग करने के लिए। फोर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट रीजनल डेवलपमेंट्स, और ये चारों देश जो है रीजनल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग मालदीव्स में जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो धांधली का आरोप लगा, इस तरह के जो वहां पे जो परिस्थितियां बन रही है, राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, वो उस पे वहां पे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो संसद भंग कर दी गई है वहां पे इन सभी चीजों पे भी चर्चा की जाएगी। एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जो अभी हालिया में नए नए चीजें प्रगति हो रही है, यानी प्रगति मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि अभी हाल में ही न्यूज आया था कि कोरिया ने चुपके चोरी से वहां पे काफी परमाणु साइट्स बनाए हैं, तो इन सभी चीजों पे भी चर्चा करेंगे चारों देश, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट है। विथ क्वाड स्टॉक बीइंग हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट एंड द आसियान इंडिया इनफॉर्मल समिट। देखिए यहाँ पे जो है आसियान इंडिया फॉर्मल समिट भी होने वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट भी हो रही है और द ईस्ट एशियन समिट भी हो रही है वहां पे, इसी के साइडलाइन में ये क्वाड टॉक्स भी हो रही है। डिस्कशन विल इंक्लूड सम ऑफ द ओवरलैपिंग इश्यूज अमंग दीस ग्रुपिंग्स, और इन चारों ग्रुपिंग्स जो है इनके ग्रुपिंग्स में जो भी ओवरलैपिंग इश्यूज है उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। हाउएवर, हालांकि डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट द पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन, यानी सहयोग का काफी संभावना है इन चारों देशों के बीच में, द क्वाड रिमेन्स अ मैकेनिज्म विदाउट अ डिफाइंड स्ट्रेटेजिक मिशन, यानी ये चारों देशों के बीच में काफी पोटेंशियल है, लेकिन जो मेन जो मैकेनिज्म जो होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मिशन का, वो एक्चुअली डिफाइंड नहीं है। In 2007, when the grouping was first formed, 2007 में पहली बार इसको फॉर्म किया गया था, गठन किया गया था, Following cooperation after the 2004 tsunami, 2004 की सुनामी आने के बाद में इसको इस ग्रुप का गठन किया गया था। The idea was to better coordinate. Idea ये था, इसको गठन करने का idea ये था कि better रूप से coordinate किया जा सके maritime capabilities
फॉर डिजास्टर सिचुएशंस, जो भी डिजास्टर आते हैं उसकी क्षमताओं को उसको सहयोग करने के दृष्टिकोण से इसको गठन किया गया था इस ग्रुपिंग का. When revived in 2017, और ये ग्रुप जो है बनने के बाद थोड़ा सिथर गया था, उसको रिवाइव किया गया फिर से 2017 में. The grouping seemed to have become a counter to China's growing inroads into the regions. और धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्रुपिंग ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये काउंटर, चाइना को काउंटर करने का एक ग्रुप बन चुका है. चाइना का जो ग्रोइंग इनरोड्स है उनके नोटिसिबल इफेक्ट्स है, प्रभाव है रीजन में, इस क्षेत्र में चाइना का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा उसको रोकने का एक ग्रुप बनता जा रहा है ये ग्रुप, ऐसा प्रतीत हुआ. डिस्पाइट डिनाइल्स दैट एनी पर्टिकुलर कंट्री हैड बीन टारगेटेड, इसके डिस्पाइट डिनाइल्स ये बार बार इसका खंडन किया गया कि ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप इसमें टारगेटेड है, कोई कंट्री इसमें टारगेटेड है. यानी उन्होंने इस ग्रुप ने बार बार ये इसका डिनाइल किया, खंडन किया कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कंट्री इसके टारगेट में नहीं है. Even a common definition of the geographical area encompassed has yet to be found. यानी जो इनके जो geographical area जिसमें include करना है इनको सब कुछ, ये अभी तक found यानी प्राप्त करना बाकी है, अभी तक इनके बीच में definition, common definition of the geographical area हुआ ही नहीं है. Washington देखता है द यूएस एंड इंडिया एज अ बुक एंड्स ऑफ द इंडो पैसिफिक. बुक एंड्स क्या होता है, बुक एंड्स मतलब जो बुक अगर रखते हैं आप तो दोनों किनारे से उसको सपोर्ट, ताकि गिरे ना लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं ना गिरे, तो एक सपोर्ट के रूप में बुक एंड्स को रखते हैं. तो वाशिंगटन क्या देखता है, इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे को बुक एंड्स के रूप में देखता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में. इंडिया और अपने इंडिया जो यूएस है अपने आप को, इंडिया और यूएस एक दूसरे को अपने आप को बुक एंड्स के रूप में देखता है. इंडिया एंड जापान हैव इंक्लूडेड द ओशियंस अप टू अफ्रीका इन देयर डेफिनेशंस, और इंडिया और जापान जो है इंक्लूड किया उन्होंने अपने आप को द ओशियंस यानी समुद्र को अप टू अफ्रीका तक अपने डेफिनेशंस में. The entire focus on the Indo-Pacific makes the Quad a maritime rather than land-based grouping. यानी क्या है कि जो entire focus है Indo-Pacific ये बनाता है पूरी तरह से इसको maritime बनाता है, समुद्री रूप से Quad को बनाता है. समुद्री जो भी समुद्री रूप से problems होते हैं maritime के लिए ये पूरा group था, rather than land-based, ना कि एक कोई land-based ये group है. लैंड बेस्ड ग्रुपिंग रेजिंग क्वेश्चन वेदर द कॉपरेशन एक्सटेंड्स टू एशिया पैसिफिक एंड यूरेशिया रीजन, और ये क्वेश्चन पैदा करता है, रेजिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन उठाता है, पैदा करता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये जो कॉपरेशन है बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा एशिया पैसिफिक रीजन तक, यूरेशियन रीजन तक. इवन ऑन मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, यानी जो इवन ऑन मैरीटाइम एक्सरसाइजेस मतलब जो समुद्री एक्सरसाइज हुए हैं, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्करेंस, इसमें भी सहमति नहीं बन पा रही है इनके बीच में. जैसे एग्जांपल के बारे में, इंडिया हैज नॉट एडमिटेड ऑस्ट्रेलिया इन द मालाबार एक्सरसाइज विद द यूएस एंड जापान. जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने स्वीकार नहीं किया, उसको घुसने की अनुमति नहीं दी. Despite request from Canberra, जबकि कैनबरा के request निवेदन के बाद भी बावजूद जो इंडिया ने इसको एडमिट नहीं किया, इसमें घुसने नहीं दिया मालाबार एक्सरसाइज में. इंडिया हैज ऑल्सो रेसिस्टेड raising the level of talks from an official to the political level. इंडिया ने और इसमें विरोध भी किया है कि जो ये लेवल ऑफ टॉक्स है इसको ऑफिशियल से पॉलिटिकल लेवल तक बढ़ाया जाए, इसका भी इन्होंने भारत ने इसका विरोध किया है. द फैक्ट दैट द इंडिया इज द ओनली मेंबर नॉट इन ट्रीटी अलायंस विद द अदर क्वाड कंट्रीज विल स्लो प्रोग्रेस समवॉट, कुछ हद तक ये जो प्रोग्रेस है ये कम होगा क्योंकि इंडिया जो है ट्रीटी अलायंस में अभी नहीं है जैसा कि और सब कंट्रीज इस क्वाड मेंबर्स में है. Although यद्यपि each members is committed
टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट, यद्यपि जो चारों देश है इसमें कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि एक स्ट्रॉन्गर क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट बने, बिल्ड हो. द आउटकम ऑफ द थर्ड राउंड इन सिंगापुर विल बी जस्ट बाय द एबिलिटी ऑफ द ग्रुप टू इशू अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन. जो ये आउटकम, जो परिणाम होगा थर्ड राउंड का मीटिंग जो सिंगापुर में हो रहा, इसको जज किया जाएगा इसकी क्षमताओं पे, एबिलिटी ऑफ द ग्रुप इसके क्षमताओं पे. इससे जज किया जाएगा टू इशू ज्वाइंट डिक्लेरेशन से जज किया जाएगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन इसकी इस ग्रुप है, ग्रुप की एबिलिटी को कैसे जज किया जाएगा जो कि सिंगापुर में हो रहा, थर्ड राउंड की मीटिंग हो रही है सिंगापुर में. तो इसकी जो एबिलिटी है इस ग्रुप की उसको जज किया जाएगा इसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन से जज किया जाएगा. विच एल्यूड्स इट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, जो कि इसके पहले और सेकेंड राउंड के मीटिंग में अचीव नहीं किया गया था. एल्यूड्स एल्यूडेड, विच एल्यूडेड इट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, जो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में नहीं हुआ था वो थर्ड राउंड में इसको अगर होता है उसी से जज किया जाएगा. ये पूरा पूरा एडिटोरियल बेसिकली रहा है कि ये चार देश है, चार देश का ग्रुप बना है, इनका अपना कॉमन एजेंडा है, शेयर्ड एजेंडा है कि मैरीटाइम डिजास्टर्स को रिस्पॉन्स टीम बनाया जाए. इसके अलावा जो ईस्ट पैसिफिक रीजन में जो जैसे मालदीव्स में इश्यूज है, श्रीलंका में अभी इश्यूज चल रहा है, नॉर्थ कोरिया का इशू है, इन सब इश्यूज के बारे में भी बातें करना. इसके अलावा इंडिया और जापान का अपना भी एक जॉइंट वेंचर चल रहा है जिसमें कुछ विकास के कामों में फंड करना बांग्लादेश में, जैसे ये सब मैंने बताया अभी आपको. इन चारों का जो कॉमन एजेंडा डिफाइन करने, ये पूरी चुनौती रहा, ये पूरा एडिटोरियल इसी पे बेस्ड रहा है. इसके अलावा कुछ कमियां बताई गई कि ये चार ग्रुप है जो ग्रुप है, इसके अलावा भी इनका जो कोऑर्डिनेशन सही नहीं है बीच में, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया ने अलाउ नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जाए कुछ वजहों से, तो ये सब चीजें हैं. तो ये पूरा एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर पसंद आया हो तो थम्स अप बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.